आपको दूर दृष्टि का मतलब पता है? दृष्टि दूर चली जाती है उसको दूर दृष्टि कहते हैं। बड़े होकर शादी करने वाले हो? वो सब मैं पापा के ऊपर छोड़ देता हूँ। वो सब आप पापा के ऊपर छोड़ देते हो कि पापा आप मेरी जगह आप शादी कर लो? ओह आप लोग आ गए, हम अभी आते हैं। ये पगड़ी यहाँ रख देते हैं और माफी चाहते हैं, हमने आपको देखा नहीं। हम ये सोच रहे थे दोस्तों कि बच्चों को समझने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है, इसलिए हमने चौसर की जगह कंचे और गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया है। वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ खेल लेते हैं, तो आइए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे और हाजिर जवाब बच्चों से आपको मिलवाते हैं। मिलते हैं छोटा बीरबल के आज के पहले उम्मीदवार से। तालियों से स्वागत करते हैं करण का। हाय, मेरा नाम करण है और मैं 9 साल का हूँ और मुझे छोटा बीरबल इसलिए बनना है क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट है। आपको क्या लगता है आप छोटा बीरबल बन सकते हैं? हाँ। क्या तैयारी की है आपने छोटा बीरबल बनने के लिए? मैंने तो बहुत तैयारी की। जैसे? जैसे कि मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बनूंगा और मैं बन के ही रहूंगा और ये मेरा वादा है। तैयारी कहाँ थी? तैयारी तो मतलब मैं पूरी घर पे पूरे एक्टिंग के साथ, मतलब ऐसे सोच रहा था कि आप सामने हो और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं आंसर देते जा रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस करके आया हूँ। क्या सवाल क्या था? आप मेरे को पूछोगे कि आपको छोटा बीरबल कैसा लगता है। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि छोटा बीरबल कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं? हाँ। छोटा बीरबल बनने के लिए? हाँ। चलिए देखते हैं कि आपके साथ साथ और कौन है जिसे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो आपका उम्मीदवार बनकर यहाँ आया है क्योंकि उसे भी छोटा बीरबल बनना है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे आज के दूसरे उम्मीदवार का और वो है दृष्टि। मेरा नाम दृष्टि है, एज 6 है। मुझे छोटा बीरबल इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। आपका नाम दृष्टि है? हाँ। क्या मतलब होता है आपके नाम का? आपके नाम का मतलब आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता? नहीं। आपको दूर दृष्टि का मतलब पता है? हाँ। क्या? दृष्टि दूर चली जाती है उसको दूर दृष्टि कहते हैं। तो अगर आप हमसे दूर चली गई तो आप हो जाएंगी दूर दृष्टि और पास चली आई तो होगी पास दृष्टि। अब आप पास दृष्टि हैं, अब दृष्टि पास है इसलिए दृष्टि पास दृष्टि हो गई। हाँ? हाँ। चलिए ये बताइए कि आपके घर पे कौन कौन? मेरी दादी, मेरी बुआ और मेरे मम्मा पापा, मेरे दादा और मेरा भाई भी, उसके मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा भी हैं? हाँ। आप भी के घर पे? मेरे घर के बाजू में। आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपका भाई है, आपके भाई के मम्मी पापा बाजू के घर में? नहीं, भाई एक घर में, मेरा भाई एक घर में है, उसकी मम्मी पापा भी वही घर में है। क्या सिर्फ हमारी समझ में नहीं आ रहा या आपकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं। क्या कहना क्या चाहती हैं? नहीं मालूम। इनके और इनके भाई के मम्मी पापा तो एक ही हुए ना? हाँ। नहीं? हाँ। इससे पहले कि ये गुत्थी और उलझ जाए और हम थोड़े पागल हो जाएं, हम बुलाते हैं आज के तीसरे उम्मीदवार को। तो आ रहे हैं हाजिर जवाब छोटा बीरबल के आज के तीसरे उम्मीदवार और वो है हार्दिक। हाय, मेरा नाम हार्दिक है, मैं 8 साल का हूँ। मुझे छोटा बीरबल बनना है क्योंकि वो बहुत चतुर है। बैठना चाहेंगे? हाँ। चलिए आपको भी बिठाना पड़ेगा। हाँ। आइए कोशिश करते हैं।
कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? मम्मी लेके आती है। मम्मी लेके आती है आटा? कहाँ से? मम्मी लेती है, मुझे नहीं मालूम। मम्मी लेती है, आपको नहीं मालूम? आपकी आवाज इतनी भारी है। आपको पता है एक मशहूर खिलाड़ी हैं आप ही के युग के, हम जब 16वीं सदी से 21वीं सदी में आए तो उनके बारे में काफी चर्चा सुनी। वो क्रिकेट नामक एक खेल होता है, वो खेलते हैं। क्या आपने उनका नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर जी का नाम सुना है? हाँ। इनकी आवाज उनसे काफी मिलती जुलती है। आपको किसी ने बताया कि आपकी आवाज सचिन तेंदुलकर से मिलती जुलती है? हाँ। किसने बताया? मेरे भाई ने। भाई ने कहा? क्या कहा? आइला सचिन। अच्छा ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? मैं मझगांव में रहता हूँ। और क्या करते हैं आप? एक्टिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स में मैं बॉक्सिंग करता हूँ। आप घूसे मारते हैं लोगों को? नहीं, हमारे घर पे एक बॉक्सिंग बैग है, उसमें हम लोग ग्लोव्स पहन के मारते हैं। फिर एक रिंग होती है, उसमें हमें जाना होता है और बॉक्सिंग एक मतलब ये मैं और वो आप हम लोग और वो, फाइट कर रहे हैं। आप और वो बड़े हो गए, आपको उसको घूसा मारने की क्या जरूरत है? देखिए उसे, आप उस पर बैठ जाएंगे तो ये हार जाएगा। तो हम उससे पूछते हैं, करण आपको लगता है कि आप हार्दिक के साथ मुक्केबाजी कर सकते हैं? नहीं नहीं। छोटा बीरबल बनने के लिए आपने क्या तैयारी की? अभी तो कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ नहीं किया, तो कब करेंगे यहाँ से जाने के बाद? जब मुझे पता चलेगा तब। जब आपको क्या पता चलेगा तब? जब मैं बनने वाली हूँ तब। जब आपको ये पता चलेगा कि आप छोटा बीरबल बनने वाले हो तब छोटा बीरबल बनने की तैयारी करोगे। हार्दिक आप बताइए, आपने कुछ तैयारी की है छोटा बीरबल बनने के लिए? हाँ। क्या? मैं थोड़ा आजकल चतुर रहता हूँ। चतुर होता क्या है? चतुर कैसे रहा जाता है, हमें भी सिखाइए। जैसे कि आप इधर खड़े तो समझो किसी ने आपको चतुराई से गिरा दिया। किसी ने हमें, हम यहाँ खड़े, किसी ने हमें चतुराई से गिरा दिया। हाँ। तो उसको चतुर कहते। कोई किसी को गिरा दे उसे चतुर कहते। तो उस हिसाब से दुनिया की सबसे चतुर चीज तो केले का छिलका हुई, तो सबसे चतुर केले का छिलका है। चलिए आप तीनों बच्चे एक एक करके हमें बताएंगे चतुराई क्या होती है, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर में। जानते हैं इन तीनों बच्चों से कि चतुराई इनके हिसाब से क्या होती है, क्योंकि इन तीनों में से एक ही बढ़ाएगा कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। जानते हैं कौन होगा वो थोड़ी देर में, देखते रहिए छोटा बीरबल।